दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि बिहार चुनाव में दूसरे चरण की 94 सीटों पर मतदान हुआ खत्म। 52.28% लोगों ने डाले वोट। वहीं बीजेपी का बड़ा ऐलान, बोले एनडीए की सरकार बनना निश्चित, बिहार में रचा जाएगा इतिहास। वहीं राहुल गांधी ने भी कर दिया बड़ा ऐलान, बोले बिहार में 10 नवंबर को बनेगी महागठबंधन की सरकार। वहीं तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, बोले 10 लाख नौकरियां देने में यदि कम पड़े पैसे तो मुख्यमंत्री और विधायकों के वेतन को रोककर देंगे सैलरी। वहीं बिहार चुनाव में नीतीश कुमार की सभा में नीतीश कुमार के ऊपर फेंके गए प्याज। वहीं मतदान के बाद मुख्यमंत्री पर बरसे चिराग पासवान, बोले नीतीश कुमार अब कभी भी नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री। वहीं तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, बोले नीतीश के राज में लेबर कमाई, युवा पढ़ाई और बीमार दवाई के लिए बाहर जाने को मजबूर हुए लोग। वहीं फेसबुक पर तेजस्वी यादव ने नौकरी संवाद में लगाई चुनावी वादों की झड़ी, कहा किसान, युवा और खेल आयोग का करेंगे गठन। वहीं बिहार चुनाव में एनडीए ने तेजस्वी यादव पर साधा तगड़ा निशाना, बोले बजट का ज्ञान नहीं पर कर रहे 10 लाख रोजगार देने का वादा। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, आज भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 38,310 नए मामले सामने आए, जिससे अब कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 82,67,623 हो गई और पिछले 24 घंटे में ही 490 लोगों की मौत हो गई। अगली बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण का मतदान हुआ खत्म, शाम 6 बजे तक हुआ 52% मतदान। जी आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया। आपको बता दें कि बिहार में पहले की तुलना में दूसरे चरण का चुनाव शांतिपूर्ण रहा। शाम 6 बजे तक 52% मतदान हुआ। इसमें 2 मुख्यमंत्री चेहरे और कई दिग्गजों समेत 1463 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। अब किसकी किस्मत में विधानसभा की कुर्सी होगी, इसका खुलासा 10 नवंबर को होगा। अगली बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले एनडीए की बनेगी सरकार, बिहार में रचा जाएगा इतिहास। जी आपको बता दें कि पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया और कहा कि दूसरे चरण के चुनाव के बाद एनडीए की सरकार बनना निश्चित है, बिहार में इतिहास रचा जाएगा, एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। प्रदेश के लोगों ने तय कर लिया है कि उन्हें सुशासन चाहिए। मंगलवार को जारी बयान में नंदकिशोर यादव ने कहा कि बिहार के लोगों ने जाति और धर्म से ऊपर उठकर प्रदेश की उन्नति के लिए मतदान किया है। लोग जाति नहीं बल्कि विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं। 7 नवंबर को अंतिम चरण के मतदान में जनता इस पर भी मोहर लगा देगी। लोग चाहते हैं कि बिहार में विकास की गति निरंतर जारी रहे। उन्होंने कहा कि हर तरफ विकास की चर्चा है, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं हर गाँव हर घर तक पहुंची हैं। इन सुविधाओं को पाकर लोग खुश हैं। ऐसे में राज्य में एक बार फिर से एनडीए की मजबूत सरकार बनेगी। वो अगली बड़ी खबर, मतदान के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर बरसे चिराग पासवान, बोले नीतीश कुमार अब कभी भी नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री। जी आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में खगड़िया के एक मतदान केंद्र पर मतदान किया। इस मौके पर उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मैं लिखकर दे सकता हूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। चिराग पासवान की अगुवाई में लोक जनशक्ति पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग होकर दम भर रही है, लेकिन वो एक तरफ ये भी दावा करती है कि वो बीजेपी के साथ है। आपको बता दें कि न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि मैं आप सबको लिखित में ये बात दे सकता हूं कि नीतीश कुमार अब कभी भी दोबारा राज्य के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। वैसे आपकी क्या राय है, इस बार मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, उसका नाम हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने भी कर दिया बड़ा ऐलान, बोले मोदी और नीतीश ने बिहार को लूटा, वादे पूरे नहीं किए, जनता देगी जवाब, 10 नवंबर को बनेगी महागठबंधन की सरकार। जी आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र और बिहार सरकार पर कोरोना वायरस, बेरोजगारी, किसानों एवं छोटे व्यापारियों की समस्याओं से निपटने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को कहा कि इन दोनों ने मिलकर के बिहार को लूटा है, वादे पूरे नहीं किए और अब राज्य की जनता इनको जवाब देगी। राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार की जनता ने दोनों को सत्ता से बाहर करने का फैसला कर लिया है और इस बार राज्य में महागठबंधन की सरकार बनेगी। आपको बता दें कि कटिहार में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान जब लाखों मजदूर हजारों किलोमीटर का सफर पैदल तय करते हुए अपने घर आ रहे थे, तब नीतीश जी और मोदी जी कहां थे, तब मदद नहीं की और अब वोट मांगने आ रहे हैं। आपको
बता दें कि राहुल गांधी ने सीधा ऐलान कर दिया है कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता। वह अगली बड़ी खबर, बिहार चुनाव में नीतीश कुमार की सभा में नीतीश कुमार के ऊपर ही जमकर फेंके गए प्याज। जी आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मधुबनी में प्रचार कर रहे थे, तब भीड़ ने उनके ऊपर जमकर प्याज फेंके। आपको बता दें कि इसके बाद नीतीश कुमार के सुरक्षा कर्मियों ने ढाल बनकर उन्हें कवर किया और मुख्यमंत्री ने अपना भाषण जारी रखा। बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तीसरे चरण के चुनाव के लिए मधुबनी की विधानसभा सीटों पर प्रचार कर रहे थे। आपको बता दें कि मधुबनी के हरलाखी में आयोजित जनसभा में जब नीतीश कुमार नौकरियों की बात कर रहे थे तो उसी दौरान भीड़ से किसी ने उन पर प्याज फेंके। आपको बता दें कि इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंच से ही नाराज हो गए और बोलने लगे कि खूब फेंको और फेंकते रहो, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जब प्याज फेंकने वाले को भीड़ ने पकड़ लिया तो मुख्यमंत्री ने कहा कि उसे जाने दीजिए, उस पर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वह अगली बड़ी खबर, तेज रफ्तार में तेजस्वी यादव ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले 10 लाख नौकरियां देने में यदि कम पड़े पैसे तो मुख्यमंत्री और विधायकों के वेतन को रोककर देंगे सैलरी। जी आपको बता दें कि बिहार में दूसरे चरण का मतदान खत्म हो गया। आपको बता दें कि इस बीच महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के चेहरा तेज रफ्तार तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर तगड़ा धमाका बोला। आपको बता दें कि संवाद में 10 लाख नौकरियों के वादे को दोहराते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि नीति आयोग रैंकिंग में बिहार सबसे फिसड्डी है, बिहार को सुधारने के लिए सभी पदों को भरना होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूछते हैं कि पैसा कहां से आएगा, अभी बिहार सरकार अपने बजट का 40% हिस्सा खर्च नहीं कर पाती है, उस राशि का इस्तेमाल किया जाएगा। यदि इस पर भी शक है तो हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री और विधायकों की सैलरी रोककर नौजवानों को सैलरी दी जाएगी। संवाद के दौरान तेजस्वी यादव ने बिहार के नौजवानों से कई वादे किए हैं, इनमें 5 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन माफ करने और प्रदेश की सरकारी नौकरियों में स्थानीय नौजवानों को 85% तक का आरक्षण देने का वादा किया गया है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार होते हुए भी बिहार में बेरोजगारी की दर देश में सबसे अधिक 46.6% है। उन्होंने कहा कि लालू जी ने कई बार नीतीश कुमार से बिहार की सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने की बात कही, लेकिन नीतीश कुमार जी ने इस पर कोई भी नहीं दिया। इसकी वजह से स्थानीय युवा सरकारी नौकरियों से वंचित रह जाते हैं। चुनाव बाद यदि महागठबंधन की सरकार बनती है तो बिहार की नौकरियों में 85% आरक्षण स्थानीय युवाओं के लिए होगा। इसके अलावा छात्रों का 5 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन बिल्कुल माफ कर दिया जाएगा। तेज रफ्तार तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में बेरोजगारी बड़ी समस्या है, इस वजह से लोगों को पलायन करना पड़ता है। डिग्री है तो नौकरी नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, शिक्षा में जो गुणवत्ता होनी चाहिए वो नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में बीए की पढ़ाई में 3 साल से ज्यादा का समय लग जाता है, हमें शिक्षा को सुधारना है तो इन पदों को भरना होगा, कानून व्यवस्था को सही करना है तो इन सभी पदों को भरना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग में बिहार सबसे फिसड्डी है, इसका मतलब है कि बिहार सही मानकों में पीछे है। आपको बता दें कि तेज रफ्तार तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 10 नवंबर को महागठबंधन की सरकार बनी तो जो भी वादे किए गए हैं उनको 100% पूरा किया जाएगा। बड़ी बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने तेज रफ्तार तेजस्वी यादव पर साधा तगड़ा निशाना। बोले बजट का ज्ञान नहीं पर कर रहे 10 लाख रोजगार देने का वादा। जी आपको बता दें कि आरजेडी की ओर से 10 लाख रोजगार देने के चुनावी वायदे पर एनडीए नेताओं ने तेज रफ्तार तेजस्वी यादव को ही आड़े हाथों ले लिया और कहा कि जिनको बजट के बारे में मालूम नहीं है, जिन्होंने प्रदेश का बजट आज तक नहीं पढ़ा है, उस नौवीं फेल आदमी ने बिना कुछ सोचे समझे रोजगार का खोखला वादा कर दिया है। सरकार सभी को नौकरियां नहीं दे सकती, सरकार ऐसे काम करती है कि लोगों को रोजगार मिल सके, ऐसी नीतियां बनाती है कि निवेश बढ़ सके। जदयू कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में महागठबंधन के चुनावी वायदे को हवा हवाई बताया गया। भाजपा प्रवक्ता जफर इस्लाम ने कहा कि हमने रोजगार का वादा किया है, उसका एक रोड मैप है, जिस तरीके से बिहार आगे बढ़ रहा है उससे और नौकरियों का सृजन होगा। दहेज का मामला हो या फिर शराब की
की पाबंदी का। इससे न सिर्फ अल्पसंख्यक महिलाएं बल्कि हर वर्ग की महिलाओं को फायदा हुआ है। आपको बता दें कि जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि जनता ने पहले चरण के मतदान के बाद ही ये साफ कर दिया है कि बिहार में जनादेश किसके साथ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनसभाओं में महिलाएं न सिर्फ बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं बल्कि अपनी भागीदारी भी निभा रही हैं। वहीं तेजस्वी यादव की सभा में महिलाएं आज भी नहीं जाती हैं। आपको बता दें कि जदयू कार्यालय ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि इस बार एनडीए की सरकार बनना निश्चित है और तेजस्वी यादव ने जो भी 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है वो पूरे तरीके से खोखला और बेबुनियादी है। वह अगली बड़ी खबर, पप्पू यादव ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर साधा तगड़ा निशाना। बोले जो नेता आज हेलीकॉप्टर में बैठकर वोट मांगने आ रहे वो लॉकडाउन में कहां थे। जी आपको बता दें कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि जो नेता आज हेलीकॉप्टर में बैठकर वोट मांगने के लिए आ रहे हैं वो लॉकडाउन में कहां थे। जब लॉकडाउन हुआ था तो देश की गरीब जनता से सरकार और विपक्ष दोनों ने मुंह फेर लिया था। किसी को दिहाड़ी मजदूरों रिक्शा ठेला चलाने वालों की चिंता नहीं थी। उस विपरीत परिस्थिति में और मेरी पार्टी के कार्यकर्ता जरूरतमंदों की सेवा में लगे रहे। हमने घर घर जाकर राहत सामग्री पहुंचाई। हम सेवादार हैं और हमेशा जनता की सेवा में लगे रहते हैं। पप्पू यादव ने कहा कि इस बार जनता भ्रष्टाचारियों का अंत करने का मन बना चुकी है। जिन लोगों ने बिहार को डुबाया है उन्हें करारा जवाब मिलेगा। हमारी लड़ाई 30 साल बनाम 3 साल की है। आप बदलाव के लिए वोट दीजिए। पप्पू यादव ने कहा कि महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% का आरक्षण दिया जाएगा और निजी क्षेत्र में भी आबादी के आधार पर आरक्षण लागू किया जाएगा। सरकार में आने के 2 साल के भीतर ही सभी गरीब परिवारों को 1 BHK का फ्लैट दिया जाएगा। युवाओं को अपना व्यापार शुरू करने के लिए बिना ब्याज का 10 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पप्पू यादव ने कहा कि 7 निश्चय योजना और जल जीवन हरियाली में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। सत्ता में आने पर इन सब की जाँच की जाएगी और भ्रष्टाचारियों को सजा दी जाएगी। वह अगली बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर साधा तगड़ा निशाना। बोले बिहार में परिवारवाद हारेगा और जनतंत्र जीतेगा। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार में परिवारवाद की हार होगी और जनतंत्र की जीत होगी। बिहार की पवित्र भूमि ने यह ठान लिया है कि इस नए दशक में बिहार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। बिहार के लोगों ने जंगल राज और डबल युवराजों को सिरे से नकार दिया है। जंगल राज ने बिहार के सामर्थ्य के साथ जो विश्वासघात किया उसे बिहार का हर नागरिक अच्छे से जानता है। आज बिहार असुरक्षा और अराजकता के अंधेरे को पीछे छोड़ चुका है। जंगलराज वाले भारत माता की जय नहीं बोलते। जिन्हें भारत माता की जय बोलने में दिक्कत आती है वे एकजुट होकर चुनाव मैदान में हैं। उन्होंने बिना किसी राजनीतिक दल का नाम लिए लोगों को 15 वर्ष पूर्व के शासन काल की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि उस दौरान लोग घरों में कैद रहते थे और उनके गुंडे जबरदस्ती वोट डालते थे। बिहार में सही मायने में मत का अधिकार एनडीए सरकार ने दिया है। आज बिहार में वंचित पिछड़ा किसी जाति किसी धर्म के लोग वोट दे सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर बिहार में पुराने हालात होते तो आज गरीब का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बन पाता। मोदी ने कहा कि देश की जनता कांग्रेस से इस कदर नाराज है कि लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर भी उनके 100 MP भी नहीं होते। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया कि इस बार महागठबंधन की नहीं बल्कि एनडीए की ही सरकार बनेगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।